नमस्कार दोस्तों, मैं हरिहर, आपको हमारा चैनल टॉकी टॉपिक में स्वागत है। इसमें हम तमाम हफ्ते की बिजनेस अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें मार्केटिंग, फिनांस, इकोनॉमी और शेयर मार्केट से प्रश्न लिया गया। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज का पहला सवाल, रिसेंटली व्हिच स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग। हाल ही में कौन सी स्टॉक एक्सचेंज ने ऑनलाइन ट्रेडिंग लॉन्च की? ये एम एस सी मतलब है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज। ये एक एम एस सी का सब्सिडियरी है, वो भी 80 साल से। ये दोनों में यानी एन एस सी और बी एस सी में मेंबर है। अगला सवाल, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ सी आई आई। हाल ही में सी आई आई का प्रेजिडेंट कौन है? इसका सवाल है, इसका जवाब है विक्रम किर्लोस्कर। सी आई आई मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगले सवाल, हु इज़ द करेंट इन्फोसिस सीएफओ। हाल ही में इन्फोसिस के करेंट सीएफओ यानी चीफ फिनेंशियल ऑफिसर कौन है? ये जयेश संग्राजक। अगला सवाल, रिसेंटली व्हिच कंपनी एक्वायर्ड एलगी कंप्रेसर्स। हाल ही में कौन सी कंपनी ने एलगी कंप्रेसर को एक्वायर किया? ये मिशिगन एयर। ये एक मिशिगन एयर एक यूएस बेस्ड कंपनी है। अगला सवाल, रिसेंटली व्हिच इंडियन वोमेन हैज़ बिकम द बोर्ड मेंबर ऑफ USIB। हाल ही में USIB में इंडिया के कौन सी महिला गवर्नर यानी मेंबर बनी बोर्ड की मेंबर? इसका आंसर है मल्लिकार्जुन श्रीनिवासन। आपको पता होगा कि USIBC का मतलब है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इन US इंडिया बिजनेस काउंसिल। अगला सवाल, रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज ग्लोबल रेवेन्यू ऑफिसर एट FSS। हाल ही में FSS में किसने ग्लोबल रेवेन्यू ऑफिसर के काम नियुक्त हुए? इसका आंसर है के श्रीनिवासन। अगला सवाल, रिसेंटली बिग बास्केट पार्टनर विथ व्हिच स्टार्टअप। हाल ही में बिग बास्केट ने किसके साथ समझौते किया? ये मो इंगेज। ये एक पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है। मो इंगेज एक पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है। अगला सवाल, रिसेंटली हरजीत कौर जसी बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ MD ऑफ व्हिच बैंक। हाल ही में हरजीत कौर जोशी ने किस कंपनी के चेयरपर्सन और MD बनी? ये है SCI। SCI मतलब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वंस अगेन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला सवाल, रिसेंटली अंकुर गर्ग अपॉइंटेड चीफ कमर्शियल ऑफिसर एट व्हिच एयरलाइन। हाल ही में अंकुर गर्ग ने मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी के रूप में किस एयरलाइन के नियुक्त हुए? ये एयर एशिया में। इससे पहले ये अंकुर गर्ग ने थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिगो, इंडिगो के वाइस प्रेसिडेंट थे। अगले सवाल, रिसेंटली क्रिसिल यानी ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने किसको एक्वायर किया? इसने ग्रीनविच को। ग्रीनविच आपको पता होगा ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, ये करीब करीब $40 में एक्वायर किया गया। अगले सवाल, रिसेंटली व्हिच कंपनी टाइज अप विद वॉल्वो टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल? हाल ही में किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत वॉल्वो के साथ टाइज ऑफ किया? इसका आंसर है इसुजू है। इसुजू एक जापान मोटर कंपनी है, ये करीब करीब 2.3 बिलियन का $3 बिलियन की में टाइज ऑफ किया। अगला सवाल, रिसेंटली हु विल बिकम टाई ग्लोबल बोर्ड? टाई ग्लोबल बोर्ड ये काली प्रसाद है, काली प्रसाद ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ये टाई ग्लोबल एक हैदराबाद कंपनी है, उसमें टाई ग्लोबल इसके बोर्ड के मेंबर बने। अगले सवाल, रिसेंटली व्हिच कंपनी लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर? हाल ही में किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लॉन्च की? ये पेजियो ने। ये कौन सी मॉडल लाएगी? ये लाएगी आफे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक ये के है सी नहीं। अगले सवाल, रिसेंटली हु रिजाइन फ्रॉम केयर रेटिंग्स एज एमडी एंड सीईओ? केयर रेटिंग से हाल ही में किसने एमडी और सीईओ से इस्तीफा दी? ये राजेश मोक्सी है, राजेश मोक्सी इस्तीफा दी केयर रेटिंग्स के एमडी और सीईओ पद से। अगले सवाल, रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ इन बीएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया? हाल ही में किसने बीएमडब्ल्यू में एमडी और सीईओ पद से नियुक्त हुए? ये है कैटरीना फ्रॉस्कर, वो 2007 से बीएमडब्ल्यू से जुड़े थे। अगले सवाल, रिसेंटली व्हिच कंपनी लॉन्च्ड कॉन्सेप्ट डी सीरीज इन इंडिया? हाल ही में किस कंपनी ने कॉन्सेप्ट डी लॉन्च की, कॉन्सेप्ट डी की सीरीज? ये है अक्सर, अक्सर ये एक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर डेस्कटॉप नोटबुक की मार्केटिंग प्रोडक्शन करने की कंपनी है, ये आपको पता है ये इंडिया की जाने माने ब्रांड है। आज की सवाल इतनी।